भारतीय किसान संघ हरियाणा की बैठक का आयोजन आज फतेहाबाद के किसान रेस्ट हाउस में किया गया, जिसमें सतीश छिकारा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किसान सभा को संबोधित किया गया और किसान गर्जना रैली जो कि 19 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में होनी है उसको लेकर बातचीत की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए सतीश छिकारा ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली करने जा रहा है, जिसमें हर राज्य के किसान भाग लेंगे और एक मांग पत्र सरकार को सौंपा जाएगा, जिसमें किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए, सभी प्रकार के कृषि यंत्रों, बीज व अन्य कृषि में उपयोगी वस्तुओं के ऊपर GST समाप्त की जाए, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्यों को लागू करें और इसके लिए नियम बनाकर इसे सुनिश्चित किया जाए। जो किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके गो आधारित परंपरागत खेती करते हैं उन्हें रासायनिक खादों की सब्सिडी किसान के खातों में सीधी दी जाए। इस प्रकार की कुल 10 मांगों को लेकर एक मांग पत्र तैयार किया गया है जो कि सरकार को दिया जाना है। किसान गर्जना रैली में हर राज्य का किसान भाग लेगा और आज इसी को लेकर वह फतेहाबाद में पहुँचे हैं और कार्यकारिणी से उन्होंने बातचीत की। आज किस चीज़ को लेकर मीटिंग की और क्या रैली को लेकर क्या कुछ है? जी बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय किसान संघ नई दिल्ली रामलीला मैदान में 19 दिसंबर को किसान गर्जना रैली करने जा रहा है और उसके मुद्दे हैं किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करें और किसान के जितने भी आदान हैं, जितने यंत्र हैं उनके ऊपर GST खत्म हो और किसान जो सम्मान निधि जो 6,000 रुपये मिलती है उसके अंदर बढ़ोतरी की जाए, पशुधन बीमा में थनों को शामिल किया जाए और जो अपना फसल बीमा योजना है उसको प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, क्लस्टर के हिसाब से ना दिया जाए, प्रति एकड़ के हिसाब से जब किस्त ले रहे तो प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा भी दिया जाए और हरियाणा प्रदेश के अंदर कम से कम भी 50,000 एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें जल भराव है और उसको नहीं बो सकते किसान, ये नेशनल लॉस है, राष्ट्र का नुकसान है, इसका इंतजाम करे सरकार ताकि किसान अपना भी पेट भरे और देश का भी पेट भरे। तो इसको लेकर जिला स्तर पर अभियान चलाया हुआ जी आपने? नहीं, इसको लेकर के, इस रैली को लेकर के हम हर जिले में किसानों की मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रहे हैं और रैली की कार्य योजना बना रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं की दिल्ली पहुंचने के लिए ड्यूटियां लगा रहे हैं। कितनी भीड़ रह सकती है जी अगर संख्या की बात की जाए? मैं ये मान के चलता हूँ करीब 30,000 से 40,000 लोग हरियाणा प्रदेश से अकेले से जाएंगे, बाकी ये जो रैली है पूरे देश की रैली है, यहाँ आसाम से, मणिपुर से, तेलंगाना से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, गोवा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, JNK से, हिमाचल से, हरियाणा से, सारे के सारे किसान आएंगे पूरी दिल्ली में। बड़े किसान नेता भी इसमें जो पहले जुड़े रहे हैं किसानों से वही पहुंचेंगे? ये भारतीय किसान संघ का कार्यक्रम है और भारतीय किसान संघ एक सात्विक संगठन है जो राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए किसान आंदोलन आगे करता है और किसानों की समस्याओं को उठाता रहता है लगातार 33 साल से। सरकार को मांग पत्र दिया जाएगा, इसमें क्या रहेगा जी? सरकार को मांग पत्र भी दिया जाएगा और सरकार को ये भी दिखाया जाएगा अगर भाई किसान जो है ना अपना हक मांग रहे हैं और वो हक सरकार को देना चाहिए। आज मीटिंग लिया जी अपने फतेहाबाद में? आज फतेहाबाद में कार्यक्रम है, कार्यकारिणी की बैठक है कार्यकर्ताओं की। क्या नाम और क्या पता जी अपना? मेरा नाम सतीश छिकारा, प्रांत अध्यक्ष भारतीय किसान संघ हरियाणा प्रदेश।